एग्जाम्पल नंबर 6.5 बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। इस वीडियो में हम लोग 3 प्रॉब्लम्स को देखेंगे और तीनों प्रॉब्लम बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। पहला है ये जो 6.5 है वो बोल रहा है, ए वुमेन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज अ रफ सरफेस। शी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। देयर आफ्टर सी गेट प्रोग्रेसिवली टायर्ड एंड हर अप्लाइड फोर्सेज रिड्यूसेस लीनियरली विथ डिस्टेंस टू 15 न्यूटन। द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर। प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाई वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन वर्सेज डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट द वर्क डन बाई 2 फोर्सेस ओवर 20 मीटर। सो अभी हम लोग ये फिगर देख नहीं रहे हैं, ये प्रॉब्लम में फिगर नहीं दिया गया, सॉल्यूशन का पार्ट है। सो हम लोग समझते हैं कि कैसे आप फिगर ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है। सो यहाँ पर आपको फोर्स लिखोगे और नीचे में आपको डिस्प्लेसमेंट को यहाँ एक से डिनोट करोगे। अब क्या है कि पहले वो 100 न्यूटन फोर्स लगाती है 10 मीटर तक। सो 100 न्यूटन फोर्स वो लगाएगी 10 मीटर डिस्टेंस तक, यहाँ तक वो 100 न्यूटन फोर्स लगाए। सो ये डिस्टेंस हो गया 10 मीटर। उसके बाद वो थक जाती है और फोर्स उसका रिड्यूसेस होता है लीनियरली विथ डिस्टेंस टू 15 मीटर। और वो टोटल डिस्टेंस 20 मीटर गई है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो 10 मीटर्स है उसमें उसका घटते घटते 50 न्यूटन फोर्स तक आ गया है। सो ये यदि 50 न्यूटन होगा फोर्स तो इसका यहाँ से यहाँ तक चूंकि लीनियरली घटा है तो ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद फिर बोल रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स है जो 50 न्यूटन है वो, चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट होता है, आप यदि ट्रंक ले लोगे ऐसे ट्रंक जिसका एम मास है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा यदि ट्रंक इस तरफ जा रहा है वो होगा म्यू इंटू जी, वेयर म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। सो आप ये 50 न्यूटन का फोर्स है और माइनस साइन के साथ होगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, पॉजिटिव एक्स मीन्स कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन निगेटिव है। सो माइनस 50 न्यूटन नीचे में आ जाएगा ये, और ये यहाँ से यहाँ 20 मीटर तक ये कांस्टेंट सेम रहेगा। तो आपको निकालना है, ये आपको ग्राफ हो गया, अब आपको निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, इसलिए नीचे वाले एक्सिस को आप स्मॉल एफ से दिखाओगे, ऊपर वाले को कैपिटल एफ से दिखाओगे। और आपको पूछ रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय 2 फोर्सेस ओवर 20 मीटर। सो पहले तो वर्क डन बाय वुमेन, ठीक है, सो लिखोगे वर्क डन बाय वुमेन, ये क्या होगा वर्क डन, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में एरिया। सो यहाँ से यहाँ पर कर दोगे, ये पूरा एरिया निकालोगे, ठीक है। सो ये एरिया कैसे, इस एरिया को दो पार्ट में बांट दोगे, एक तो ये हो गया पार्ट जो एक रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, इसकी लंबाई है आपको 10 मीटर और जो हाइट है वो आपको 100 न्यूटन। सो 100 × 10 हो गया 1000 जूल, ये हो गया। अब ये आपको ट्रेपीजियम है जिसका आपको निकालना है, ठीक है। ट्रेपीजियम का एक साइड है 100 का, दूसरा साइड है 50 का, और ये जो पैरेलल साइड्स हैं और इन पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है 10 का। सो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 100 + 50 × 10। देखो आपको ट्रेपीजियम जो ऐसा रहता है, ठीक है, इसका एरिया यदि ये आपको मान लो कि X1 है, ये एरिया X2 है, और ये जो है ना जो पैरेलल साइड नहीं है वो डिस्टेंस यदि Y है तो होता है 1/2 X1 + X2 × Y, क्लियर है। सो हम लोग यदि इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो 1/2 150 × 10 और ये हो गया 5, सो ये हो गया 750 न्यूटन। सो टोटल जो एरिया 750 जूल हो जाएगा ना वर्क है। सो टोटल जो एरिया हो गया वो 1000 + 750 डेट इज 1750। सो देखो 1750 जूल निकल गया इसका। अब आपको फ्रिक्शनल फोर्स का एरिया निकालना है। सो फ्रिक्शनल फोर्स जो वर्क डन करेगा वो एरिया कौन सा होगा, यही वाला होगा, ठीक है, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स ये है और ये एक रेक्टेंगल है। सो ये हो जाएगा माइनस 50
इंटू 20 डेट इज माइनस 1000 जूल। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हो गया माइनस 1000 जूल। निगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया कि अपोजिट वर्क डन कर रहा है, फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन है। क्लियर है? सो ये समझ गया। अब जो नीट के दो प्रॉब्लम है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम नीट 2019 से पिक किया गया है। अ फोर्स 20 प्लस 10 वाई एक्स ऑन ए पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन वेयर फोर्स इज इन न्यूटन एंड वाई इज इन मीटर। वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम वाई इज इक्वल टू 0 टू वाई इज इक्वल टू 1 मीटर इज। तो फोर्स आपको कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, जिसका वैल्यू है 20 प्लस 10 वाई। और ये फोर्स किसके लॉन्ग है? वाई डायरेक्शन के लॉन्ग है। और ये जो पार्टिकल का जो मूवमेंट है ना, वो वाई के लॉन्ग है, ठीक है, वाई डायरेक्शन के लॉन्ग है। सो आप जो निकालोगे वर्क डन, ये क्या होगा? एफ डॉट डी वाई, बिकॉज वाई डायरेक्शन के लॉन्ग है इसलिए केवल मैं डी वाई लिया। सपोज करो कि ये ऐसा होता कि वर्क डन, ये जो पार्टिकल है ना, वो 1 2 3 मीन्स कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से लेकर के 3 4 सपोज करो कि कुछ भी ले लो वैल्यू 4 2 1 यहाँ तक जाता, तब आपको तीनों अलग अलग कंपोनेंट्स लेने होते। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर चूंकि केवल आपको अलोंग वाई एक्सिस का निकालना है, तो आप केवल वाई का डी वाई कंपोनेंट लोगे। तो ये हो जाएगा आपको 20 प्लस 10 वाई इंटू डी वाई, और वाई का लिमिट क्या है? 0 to 1 मीटर, डेट इज 0 to 1 20 डी वाई प्लस 10y dy 0 to 1। सो ये हो गया 21 माइनस 0, ठीक है, बिकॉज dy का इंट्रीग्रेशन होता है y। सो ये y का लिमिट लोगे 1 to 0। सो प्लस ये हो गया 10y dy का इंट्रीग्रेशन क्या होता है? y स्क्वायर बाय 2, लिमिट होगा 0 to 1। सो 20 प्लस 10 बाय 2 y स्क्वायर का उदोगे पर y का वैल्यू 1 और फिर 0। सो यहाँ से हो गया 25 जूल। तो बहुत आसानी से ये आंसर निकल गया 25 जूल। आंसर डी आप मार दोगे एग्जाम में। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ए बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर अ कांस्टेंट फोर्स। तो इसमें बोल रहा है कि एफ क्या है? कांस्टेंट है। जितना डेटा मिले उसको लिखते जाओ ताकि आपको एग्जाम में आप ढंग से बना पाओ। और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है s इज इक्वल टू 1/3 t स्क्वायर के इक्वल। तो वर्क डन बाय फोर्स इन 2 सेकेंड। सो वर्क डन बाय फोर्स निकालना है, और ये आपको रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। सो वर्क डन बाय 0 to 2 सेकेंड में निकालना है। क्लियर है? सो वर्क डन आप कैसे निकालते हो? ठीक है, f डॉट ds से निकालते हो। अब यहाँ पर टाइम, यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर है जबकि यहाँ टाइम का निकालना है। तो आप क्या करोगे? f डॉट ds by dt इंटू dt कर दोगे। अब ये टाइम के फॉर्म में हो गया। तो ds by dt, देखो ds आपको s दिया गया है 1/3 t स्क्वायर। सो ds by dt, बिकॉज आप देखो टाइम के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए जब ds by dt करोगे तो 2/3 t हो जाएगा। सो ये हो गया आपको f इंटू 2/3 t इंटू डी टी। अभी तक फोर्स को आपने नहीं लिखा है। सो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सलरेशन। मास दिया है 3 kg, और एक्सलरेशन के लिए इसको आप, ये ds by dt वेलोसिटी के इक्वल है। सो एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सलरेशन हो जाएगा d2s by dt स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2/3। तो फोर्स हो गया 3 × 2/3। तो मैंने एक एक करके पहले फोर्स निकाल लिया, फिर आपको ds by dt निकाल लिया, इंटू dt कर दिया। तो ये हो गया 3 × 2/3 × 2/3 t dt, और लिमिट हो जाएगा 0 to 2। अब इसको सॉल्व कर दोगे ना तो आपको आंसर आ जाएगा। तो इसको क्या करोगे, 4/3 बाहर ले लो, 0 to 2 टाइम ले लो लिमिट, और टी डी टी, टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी स्क्वायर बाई 2। सो 4/3 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट होगा 0 to 2, डेट इज 4/3 इंटू 2, और ये हो गया 4 - 0, डेट इज 16/3 इंटू 2,
इट इज 8/3, सो आंसर हो जाएगा 8/3 जूल। देखो कहीं 8/3 जूल है, है ये आंसर डी है। सो क्लियरली इसका भी आंसर डी होगा। सो आई एम श्योर आपको ये प्रॉब्लम्स, तीनों प्रॉब्लम बहुत अच्छे लगे होंगे और इसमें बहुत सी नया चीज़ कंसेप्ट सीखे भी होंगे। कुछ भी डाउट होने से मुझसे कमेंट करके पूछिए। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।